अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं, एक वीडियो है, दैट इज तेजाज एक्सप्रेस, और इसके ऊपर आज हम लोग रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होने वाली है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अपनी फर्स्ट प्राइवेट जो रेल खुली है तेजस एक्सप्रेस, वहाँ से जा रहे हैं दिल्ली से कानपुर। ये सिर्फ हम एक गाड़ी का रिव्यू करने का प्लान था पहले, बट बाकी प्लान चेंज कैसे वो बताऊंगा आपको बाद में। पहले चलते हैं प्लेटफॉर्म पे क्योंकि थोड़ा लेट हो रहे हैं हम लोग। ऋषि भी जा रहा है। नहीं रखती। कहाँ चोरी हुई है? मशीन से तो निकाल लिया था उसने पर्स। अच्छा, मैंने नहीं संभाल रहा। पापा की चोरी हो चुकी एक बारी। मेरा पहले प्लान था इस गाड़ी का रिव्यू करने का दिल्ली से गाजियाबाद, क्योंकि इस गाड़ी का पहला स्टॉप गाजियाबाद है, दूसरा स्टॉप कानपुर है और तीसरा स्टॉप लखनऊ है। बट दिल्ली से गाजियाबाद आप टिकट नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस रहता है, इसलिए आरसीटीसी अलाउ नहीं करती यहाँ। तो हमने सोचा कि पापा दिल्ली से कानपुर टिकट बुक कराएंगे और गाजियाबाद उतर जाएंगे और रिव्यू करके आ जाएंगे। बट फिर प्लान हमारा चेंज हो गया। अभी हम कानपुर तक जा रहे हैं, मैं, पापा, मम्मी और चिकलू। आ जाओ, नौ नंबर है ना, नौ नंबर। इसी वन आगे, इसी वन, ये वाला क्या? ये वाला। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब, आपका नाम भाई साहब है? मैं अभी तेजस एक्सप्रेस में जस्ट ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ। सो आई मेट दीज गाइस। मैम, ये जब चलेगी तो पता कैसे चलेगा चलने वाली है? चल, ऑन आ जाएगा, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि ये दरवाजे बंद हो जाते हैं, छूट तो नहीं आऊँगा मैं। नहीं, होता ना नीचे। तो ये लोग मुझे मिल गए, ये भी तेजस को कवर करने आए हैं, बट ये बाहर से कवर कर रहे हैं। इनमें से आप कौन रेलवे में काम करता है? तुषार। और आपका रेल का चैनल है? सभी रेल फैन है, जैसे मेरा है रेल फैन तुषार। मुझे डर लग रहा है पीछे गाड़ी निकल ना जाए। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। ठीक है, सिनेमैटिक लेने के चक्कर में छूट जाऊँ। चलो भाई, आप लोगों को क्या लेना है? आ जाओ, चल रही है। थैंक यू मैम। अब कुछ प्रमोशन वगैरह? किसका? ट्रेन का कि आपका? ट्रेन का। ओके सर, हैप्पी जर्नी। पांडा जी, ट्रेन चलेगी तो नहीं ना? नहीं, वी आर हियर। आई एम हितेश शर्मा। हितेश जी हैं एंड दीस गाइस वर्क फॉर आईआरसीटीसी। दे वाज जस्ट आस्किंग, सर बंद हो रहा है? हां ना, चले जाओ। चला जाओ ना, अंदर से ले लेता हूँ। तो हितेश जी वाज टेलिंग मी कि दिस ट्रेन इज प्राइवेटली रन बाय आईआरसीटीसी। सिर्फ इंजन एंड गार्ड। वी आर पेइंग द हॉलेज चार्जेस टू द रेलवेज फॉर इंजन एंड गार्ड, अदरवाइज एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय यू। अर्चित। एंड आप सर किस पोस्ट पे काम करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे चीफ सुपरवाइजर। अरे बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। थैंक यू सो मच सर। चलो बाय 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 सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो मैम ने मेरे को बताया कि 3:34 पे दरवाजे बंद हो जाएंगे और 3:35 पे हम डायरेक्ट चले जाएंगे। गाइस, ट्रेन डॉट टाइम पे चल चुकी है, इट्स 3:35। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अगर बाय चांस कोई छूट जाए उसका क्या होता है? सर ये डायरेक्ट इंजन से कनेक्ट होता है, हम खोल नहीं सकते। मैं छूट गया तो छूट गया। इसकी व्यू स्क्रीन, ये ब्लाइंड्स है जो ब्लाइंड्स इसके दो ग्लास के बीच में है, तो उसको नीचे कैसे करते हैं बाबा? ओ करो। ओ दिस इज अ न्यू फीचर। ब्लाइंड जो है शीशे के अंदर लगे हुए हैं, आप यहाँ से स्विच, सो यू कैन, ये बहुत ही सही फीचर लगा मैं। फॉरगेटिंग यू डोंट नथिंग नो मोर।
रस्सी लाओ, दे दो पापा को, दे दो दे दो। ये थैंक यू रश्मि। शहरी छुट्टी 8 तारीख को है ना, तुम मिलो। नकलची बंदर। मम्मी कहती है कि चिकलू का नाम चिकलू कैसे पड़ गया है, चिकलू क्योंकि चिकलू कुछ जैसा मीठा है, चीकू जैसे गाल है, चीकू जैसे लाल तो गाइस पहला स्टॉप आ चुका है विच इज गाजियाबाद। ये पहला स्टॉप है, 30 मिनट्स के बाद ये गाजियाबाद में रुक जाती है। अब यहाँ से जब लोग चढ़ेंगे तो तभी स्नैक्स सर्व किए जाएंगे। अभी तक हमें सिर्फ जूस, रोज, पानी और टॉवल दिया गया था। आई थिंक जब यहाँ पे लोग आएंगे देन वी विल स्टार्ट विद स्नैक्स, और जब तक कानपुर पहुंचेंगे दे विल सर्व अस वन मील। चलो तो उधर के आते, थोड़ा देखते नीचे क्या गाजियाबाद में। 2 मिनट स्टॉप है, मतलब ऐसे गेट के बाहर उतरेंगे फिर कुछ नहीं होगा रशी। लेकिन मतलब इसमें फायदा क्या है, ये बाहर के वेंडर्स नहीं आ पाते फिर। तुम्हें कैसी लग रही है ट्रेन? तो ये जोय जी हैं, तो ये मुझे मिल गए ट्रेन में ही। तो इन्होंने कह रहे कि जो ब्रेक सिस्टम है, डोर सिस्टम है, ये इन्होंने डिजाइन किया है। चल रही है क्या सिग्नल? चलो चलो आजा। तो ये बढ़िया होगा जोश जी, अभी हम एक राउंड दे देंगे ट्रेन का। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू वांट टू स्टॉप द ट्रेन देन यू कैन। तो कह रहे हैं कि ये जो कोचेस हैं वो 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं, और जो वंदे भारत के वो भी 200 गए, बट द कांसेप्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट। अच्छा, और वो है ना डस्टबिन, डस्टबिन और जो अपने आप खड़ा होना है भाई। पहली ट्रेन है जहाँ पे ऑटोमेटिक सेंसर लगे हैं डोर के लिए, और पीछे शायद इसीलिए नहीं खुलता। पीछे अभी मैं आता हूँ, सो आई विल गो एंड देखते हैं कि ऑटोमेटिक खुलता है कि नहीं। खुल गया ऑटोमेटिक है। बाकी ट्रेन में दिक्कत होती है, आप सामान लेके आ रहे हो ना, एक हाथ से सामान है, एक हाथ से डोर खोलो, तो बहुत दिक्कत होती है ऑटोमेटिक। ये स्मोक डिटेक्टर है ना, तो हम लोग जहाँ बैठे हैं ये एग्जीक्यूटिव चेयर का आ रहा है, इसमें दो की कॉन्फ़िगरेशन है, और भी जहाँ जा रहे हैं वो नॉर्मल है। अच्छा अच्छा, ये पहली बार आपका गैंगवे टाइप जैसे मेट्रो में होता है, जैसे मेट्रो में होता है, पूरा गाड़ी को एयर टाइट किया गया ताकि वो वैक्यूम जो नॉइज होती है उसको मिनिमाइज कर। नॉर्मल ट्रेन में आपका ओपन रहता है, डर लगता है चलने में, इसमें नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं नॉर्मल चेयर कार में, जिसमें 3x3 की कॉन्फ़िगरेशन है। सर कह रहे हैं कि सर्विस वगैरह सब कुछ सेम है, सिर्फ सीटों का डिफरेंस है। यहाँ पे इसमें आपका एक वाईफाई, इंटरनल वाईफाई सिस्टम लगा है, डिवाइस आपका होगा एंड यू कैन एक्सेस ऑल द मींस। ओपन वाईफाई नहीं है, गूगल नहीं चलेगा। एयरक्राफ्ट में होता है सर कि कुछ जो आपने स्टोर कर दिया मूवी सॉन्ग्स वो चलेंगे, बाकी आप वो देख सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, इसमें सर आईपैड से चेक करते हैं, ये भी हाईफाई है। शताब्दी में, सब शताब्दी में भी हो चुका है। ओ सही है, तो मुझे पता नहीं था बिकॉज मैं ट्रेन में बहुत टाइम बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यहाँ वैसे मुझे था कि चार्ट लेके आता था ना पहले, लेकिन अभी हाईफाई हो गया सर जो है आईपैड में चेक कर रहे टिकट। 10 नॉर्मल कोच है, एक एग्जीक्यूटिव कोच है, ये हम लोग खड़े नॉर्मल कोच में। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है 3+2, बाकी सर्विस वाइज एवरीथिंग इज सेम। एक बार आप बैठ के देखो कैसा दिखता है आपको। इसका कंफर्ट वर्सेस वो पीछे एग्जीक्यूटिव का कंफर्ट आगे हो जाएगा। पीछे 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 नहीं, आगे करना, आगे नहीं होगा सर। एक्चुअली वंदे भारत में और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसमें रिक्लाइनिंग होती है, इसमें इसकी सीट्स आर फार बेटर देन वंदे भारत। हां कंफर्टेबल है, फुट रेस्ट है, वाटर होल्डर है, और आगे सामान रखने के लिए जगह है, लेग रूम काफी अच्छा है इसका, और फुट रेस्ट काफी कंफर्टेबल है, रिक्लाइनिंग वगैरह फुल रिक्लाइनिंग है, आराम से सो सकते हो इसमें। बाकी लाइटिंग का है ये। ओके हाँ सर, वो दिखाइए वो कहाँ पे। अच्छा ये यहाँ पे जैसे एयरक्राफ्ट में होता है कि यू कैन प्रेस द कॉल बटन एंड द क्रू विल कम टू सी व्हाट एवर इट इज, तो ये बटन है ना कॉल करने के लिए, दबाओ मैम। अच्छा तो अलार्म, अच्छा मैम बड़ी जल्दी आ गई आप तो नहीं आप अलार्म देख के हैं कि देख के हैं कि मैंने दबाया ये अच्छा अलार्म वहाँ बजता है, तो आप लोग का कोई स्पेशल कैबिन है, आप लोग कहाँ वहीं पे रहते हैं? कैबिन में आपका अलार्म बजता है, बट यू नो कि किस सीट वाले ने बजाया सर? एक्चुअली यहाँ पे लाइट जलती है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइट जलती है, वो हमें पता है। तो लाइट देख के आप आए थे कि किसने शीशा चेंज करते हो? पूरा शीशा चेंज करना। मी एंड डैड वर डिस्कसिंग कि दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ द ट्रेन, कि ब्लाइंड जो है शीशे के अंदर है, खराब होने का चांस नहीं, बट सर कह रहे हैं कि उल्टा सरदर्दी है, बिकॉज अगर ये ब्लाइंड खराब होते हैं तो पूरा शीशा चेंज करना पड़ता है। लेकिन गुड फीचर इज दिस ट्रेन इज वेरी क्वाइट, जैसे अगर ये सारे शीशे हैं ये पूरे साउंड प्रूफ है, और अगर वो वाला दरवाज़ा भी बंद हो जाए जैसे अभी खुला हुआ है, सो इफ बोथ द डोर्स आर क्लोज ट्रेन इज टोटली पैक, सो इट इज़ वेरी क्वाइट, मतलब अंदर आराम से आप जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। सो दिस इज़ द रिलीज बटन इन केस आपका ऑटोमेटिक डोर अगर नहीं खुल रहा है, खराब हो गया, तो दिस इज़ द बटन, इसको दबा के आप डोर खोल सकते हैं। ये
ये आपके एंटी स्किड डिवाइस है। कौन से वाले सर? ओके ओके। सो ये है भाई साहब। मैंने कहा भाई साहब आपका नाम क्या है? कहते हैं भाई साहब। मैंने कहा वाह भाई साहब का नाम भाई साहब, तो इन भाई साहब का नाम है भाई साहब। भाई साहब को हाय बोल देंगे कैमरे में, ऐसे हाय कर दीजिए ना। रशि भाई साहब तो तुमसे मेरा शर्माते हैं यार। सो अभी हो चुका है स्नैक टाइम, गाड़ी निकल चुकी है गाजियाबाद से और हमें मिली है स्नैक प्लेट। दिखाते हैं स्नैक प्लेट में क्या क्या है। क्या आलमंड्स, नमकीन है, मफिल्स, कुछ केक है और ये क्या आपका पैटीज है इसमें। और साथ में दिया था आपको ऑप्शन चाय या कॉफी का जो। देखो फुटरेस्ट वाले कैसे होता है फुटरेस्ट। कितनों पर लग जाता है ये? सो अनदर गुड थिंग विच आई लाइक अबाउट द ट्रेन वॉज कि अगर आप कॉल बेल बजाएं तो कॉल बेल बजाते हैं यहाँ पे स्टाफ आ जाते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम है। हमने कहा दो बार क्लीनिंग के लिए, सो क्लीनिंग के लिए जैसे आप बोलेंगे वैसे ही बंदा आ रहे हो। तो भाई साहब थे रीडिंग के लिए आपको मैगजीन्स यू ऐसे एयरक्राफ्ट होता है, यू हैव लॉट ऑफ रीडिंग स्टाफ एंड जस्ट दैट कि इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू कानपुर बट कम्फर्टेबल है बिकॉज सीट चौड़ी है, बैठे हुए आराम से लैपटॉप खोल के अपना रीडिंग का काम चालू करूँगा। सो आई फील आई हैव यूटिलाइज माई डे जो कि नॉर्मल ट्रेन में नहीं हुआ था बिकॉज वो बर्थ ऐसी होती कि बैठा नहीं आता वहाँ पर। क्या क्या आपके पास जैसे एयरक्राफ्ट में मटन ऐसी होती है? सो दैट्स द सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट ना, पहले फूड राउंड स्नैक्स राउंड। तो रशु जा रही मम्मा के साथ ट्रेन का दौरा करने। बाय रशु। सारे डोर्स मेरे क्लोज हो जाते हैं। तो दिस इज द पावर्ड गार्ड कोच, मैंने कहा कि थोड़ा देर में डिनर लगने वाला फिर कानपुर रहेगा तो आपको दिखा देते हैं। तो सारे डोर्स की ऑपरेशन यहाँ से होती है। जब गाड़ी खड़ी रहती है तो ये रिलीज देते हैं जिस साइड प्लेटफॉर्म आता है और उसके बाद ओपन रिलीज डोर्स। और बंद भी आप ही करते हैं? बंद भी गार्ड करते हैं। ओह बट ये वाला जो सिस्टम है ग्रेटर देन 5 की स्पीड पे काम नहीं करता। ये सारा स्मोक की मॉनिटरिंग हो रही है। ये सारा गार्ड पैनल है, रियल टाइम में सारा कोचेस की मॉनिटरिंग हो रही है। कुछ होता है तो यहाँ पे इंडिकेशन आ जाती है। 10 के 10 कोच यहाँ पे। तो हमारा डिनर हो चुका है डन। नेक्स्ट हॉल्ट इज कानपुर स्टेशन विच इज 72 किलोमीटर। और एक घंटा लगेगा अभी फिलहाल मेरे। थैंक यू सो मच। ऑल गिफ्ट फ्रॉम आईआरसीटीसी से। सो अभी हम लोग गुजर रहे हैं पनकी स्टेशन से। यहाँ से कानपुर सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। ऑलमोस्ट ट्रेन की यात्रा हमारी समाप्त हो चुकी है। एक बार मैं जरा वॉशरूम भी हो लेता हूँ। कानपुर सेंट्रल 8:30 का टाइम था, 8:25 का टाइम था बट 8:15 भी 10 मिनट पहले पहुँच गया। हम लोग वहाँ से चले ऑन टाइम, यहाँ 10 मिनट पहले। लेट होने का भी कुछ है कि मुआवजा मिलेगा कि नहीं? एक घंटा लेट हो गई तो 100 रुपए। अगर एक घंटा लेट होती है तो? और 2 घंटे 250 रुपए। 2 घंटे का 250 रुपए लाइफ बन जाएगी। रास्ते में कोशिश करो लेट ही कराओ इसको। जन्मभूमि, जिन लोगों को नहीं पता मैं कानपुर से हूँ। 12वीं तक की कक्षा मैंने यहीं से की, स्कूलिंग यहीं से की। उसके बाद मैं कानपुर से निकल गया बाहर। मेरे को सब लोग कहते थे कि मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, मम्मी नहीं आती वीडियो में। मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी जैसे मैं था आपका बेटा, या पापा को पूछा अब जैसे रसबरी पापा के साथ रहती है, मतलब उसको हमसे ज़्यादा हाय कैसे आप, तो मुझसे ज़्यादा वो पापा को प्यार करती है अभी। तो मैंने पापा से कहा पापा जब मैं था, हाँ दादू के पास है, देखो जब देखो दादू के पास। सुबह 5 बजे नींद खुलेगी उसकी, दादू दादू। तो मैंने वहाँ कहा पापा जब हम लोग छोटे थे तो हमको इतना प्यार शायद आप नहीं कर पाए होंगे, लेकिन रसबरी का पूरा टाइम स्पेंड करते हो। पापा कहते हैं हाँ ये तो है, प्याज प्यारा देखो प्याज। ये तुम्हारे पापा का पुराना घर है, तुम्हारे पापा यही खेलते थे, यही बड़े हुए हैं, पूरा बचपन पापा का यही बीता तुम्हारा। सो यहाँ पे आके बहुत यादें ताजा रहती हैं। ब्रावो। चलो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। कल है दशहरा और है मेरे पापा का हैप्पी बर्थडे, तो दोनों मनाएंगे कल। आजा बाय बाय कर दो, आजा बाय कर दो, आजा बाय बाय, लव यू बोल दो, बाय। चलो बाय बाय गई। सो गाइज ये वीडियो थी तेजाज एक्सप्रेस की जो कि प्राइवेट ट्रेन है बेसिकली, और इसमें लेडीज हॉस्टेस जो हैं वो भी आपको मिलेंगी। और बहुत ही ज़बरदस्त एक व्लॉग करके इन्होंने बनाया है, इसके ऊपर हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। और वैसे तो इनकी जो है फ्लाइंग बीस्ट की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस होती हैं, व्लॉग्स होते हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़े के होते हैं। इनकी छोटी सी जो बेटी है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्यूटू सी राशि। अच्छा बात करते हैं आप वीडियो की, तो बेसिकली एक तेजाज एक्सप्रेस जो है वो प्राइवेट ट्रेन है और इन्होंने
ट्रेन जो स्टार्ट हुई थी फर्स्ट डे था शायद, तो उसमें इन्होंने जाके गए हैं और जाके इन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। फर्स्ट टाइम तो नहीं चली मेरे ख्याल से, कुछ टाइम हुआ ही होगा। एनीवेज वीडियो का ये है कि तेजस एक्सप्रेस जो प्राइवेट ट्रेन है इंडिया की, वैसे हर ट्रेन ही अच्छी है। अब जैसे कि वंदे भारत की इन्होंने बात की और तेजस एक्सप्रेस की बात की, तो वंदे भारत में और तेजस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि वंदे भारत जो है वो एक उसका लुक बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर हम उसकी सर्विसेज की बात करें, उसकी सीट्स की बात करें, उसकी सीट्स जो हैं वैसे रोटेट हो जाती हैं वंदे भारत की। तेजस एक्सप्रेस बेसिकली इसका मुझे इसमें दिखाया तो नहीं है खैर के रोटेट होती हैं कि नहीं होती हैं, बट यह है कि इसकी भी सीट काफ़ी कम्फर्टेबल है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी और डिफरेंट लग रही थी, और काफ़ी मतलब लेग का स्पेस भी बहुत अच्छा था, और काफ़ी खुली ट्रेन थी जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, इरिटेट नहीं होंगे और लंबा सफ़र आराम से कट जाएगा। लेकिन वही बात आ जाती है कि इन लोगों ने एक सबसे बेस्ट जो ऑप्शन दिया है वो ये है कि इसमें स्विच बटन को दबाओगे और आपका जो है वो जो वेटर है वो आ जाएंगे, होस्टेस आ जाएंगी जो कि ट्रेन होस्टेस हैं। लास्ट टाइम मैंने एयर होस्टेस कह दिया था गलती से मेरे, और आप लोग भी हो ना बस बात को पकड़ के ना मेरा कीमा बना देते हो। एनीवेज इसमें ये है कि आप बटन दबाया होस्टेस आ जाती हैं, अगर आप कोई चीज़ चाहिए कोई भी तो वो आपको सर्विस में मिल जाती है, और दूसरा खाना प्रोवाइड किया जाता है इसमें, और खाना भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था और ज़्यादातर उसको कवर बहुत अच्छे से किया हुआ था। ये चीज़ मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर हम बात करते हैं इनके जो फूड की, फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्नैक्स वगैरह, और फिर अगर हम वॉशरूम की बात कर लेते हैं तो वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और उसमें जो फ्लैश का सिस्टम था वो, और काफ़ी नीट एंड क्लीन बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है, और साथ में इन्होंने डिस्पेंसर जो कि कचरा डस्टबिन जो है उसको बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया है, और उसमें यह कि कचरा जो है वो नीचे पुश हो जाएगा अगर भर जाता है तो, उसका बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम बहुत अच्छा किया हुआ है इन्होंने, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, सबसे मेन चीज़ आप बटन दबाते हो तो वो नीचे आ जाता है, मतलब कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको हाथों की मदद से खींच कर जो है वो विंडो क्लोज करनी पड़े या विंडो के आगे कुछ चीज़ करनी पड़े, तो वो ऑटोमेटिक ही शटर डाउन हो जाता है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे, सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और इसके अलावा वाईफाई भी है, लेकिन इसमें ये लोग गूगल जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, इसके अलावा आप कुछ और जो यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब गूगल क्यों नहीं यूज़ कर सकते ये तो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि गूगल तो ज़्यादातर तो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यह कि जैसे अदर सर्विसेज होती हैं दूसरी गाड़ियों में कि आप गाने सुन लो जो ऑलरेडी डाउनलोड होते हैं, तो इसमें यह कि आप सर्च करके गाने सुन सकते हो, लेकिन डाउनलोडिंग जैसे कुछ लोग होते हैं ना यूट्यूब पे वीडियो एडिटिंग करके वो डाल लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है वाईफाई वगैरह, शायद इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने कुछ इस तरह की बाउंड्री रखी है। सो एनीवेज ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी, काफ़ी मज़े की थी, ट्रेन का स्टाफ बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, और इनका व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से एडिटिंग की हुई थी और सब लोग ही इंजॉय कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि ये लोग सिर्फ ट्रेन का रिव्यू लेने के लिए इतनी दूर से, ये लोग सिर्फ ट्रैवल करने आए, पूरी फैमिली वो भी, बस अगर कोई मिसिंग था तो वो इनकी मिसेज थी, और खैर वो तो हमेशा साथ ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर मिसिंग थी, कहीं बिजी होंगी, कहीं गई हुई होंगी। सो आप लोगों ने कभी ट्रैवल किया है इस ट्रेन में, या फिर आप कभी करने वाले हैं, या आपको कैसा लगता है कि ये ट्रेन कैसी है, क्या वंदे भारत से अच्छी है या कोई डिफरेंस है खासा, या फिर ऐसा ही है? मुझे तो डिफरेंस लगा इस ट्रेन में, बेसिकली काफ़ी डिफरेंस है उसकी, वंदे भारत की जो ट्रेन का डिज़ाइन है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं बिल्कुल ही डिफरेंट है, और एक तो वो भारत में टोटली मैन्युफैक्चर हुई है और मेरे ख्याल से 100 करोड़ की अमाउंट में वो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, और टोटली जो पार्ट्स हैं वो भारत में ही उसके बनाए गए हैं, सबसे कम कॉस्ट में वो ट्रेन तैयार की गई है, और इतनी अच्छी ट्रेन और रोटेट होती है हर चीज़ है, तो खैर ये सारी चीज़ें मुझे उसमें पता हैं जो कि इसमें मेरे ख्याल से इतना का कुछ ये भी ट्रेन बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा डिफरेंस है
कहने का मतलब ये है. सो एनीवेज ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी, खाना बहुत ज़बरदस्त था और यस आई विश के इस तरह की ट्रेन्स जो हैं हमारी कंट्री में भी हों, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की ट्रेन्स मैंने तो अब तक खैर इस तरह की ट्रेन नहीं देखी हैं. बहुत ही यूनिक और डिफरेंट टाइप की जो कि भारत में ऑलरेडी हम देखते ही आ रहे हैं और उनकी सर्विस जो ट्रेन की है वो बहुत ही ज़बरदस्त है. तो हम तो बस होप ही कर सकते हैं. सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. दिस इज़ मी साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची पाकिस्तान. बाय बाय.